हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इस तरह के क्वेश्चन ईएस में और गेट में और वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर का रहता है, ठीक है। बहुत से टेस्ट सीरीज जो बनती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी है लेकिन सीखने में क्या प्रॉब्लम है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और इस क्वेश्चन को सीखिए। क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देखिएगा। इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को घुमाने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूला विद कॉन्सेप्ट मिलेगा। और उसमें जैसे ही आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपको इसका आंसर मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा होगा, क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है। क्वेश्चन है 16 MLD ऑफ द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए 2.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइप ऑफ द डायमीटर 45 सेंटीमीटर क्लोरीन एट द रेट ऑफ द 32 kg पर डे इज अप्लाइड एट द एंट्री ऑफ द पाइप सो दैट द डिसइंफेक्टेड वाटर इज ऑब्टेंड एट द एग्जिट। ये कह रहा है 16 ml वाटर है जो पाइप में फ्लो हो रहा है। जो पाइप है 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का लंबा पाइप है। पाइप का डायमीटर 45 सेंटीमीटर है और इसमें क्लोरीन को ऐड किया गया एट द रेट ऑफ द 32 kg पर डे इज अप्लाइड एट द एंट्री ऑफ दिस पाइप। पाइप की एंट्री पे लगा दिया गया है क्लोरीन, इस रेट से दिया जा रहा है कि 32 kg पर डे, मतलब 32 kg एक दिन में इतना क्लोरीन दिया जाएगा इतने रेट से, ठीक है। और बाद में एग्जिट पे क्या होगा, हमें डिसइंफेक्टेड वाटर मिलेगा, ठीक है। दिस इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द फ्लो थ्रू द पाइप इज 22 ml फ्रॉम द 16 ml। ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि हमारा जो 22 ml जो पानी आ रहा था वहाँ से 16 ml पानी आने लगे, ठीक है। अज्यूम द डाइल्यूशन कॉफिशियंट को दिया गया n=1, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द क्लोरीन इन kg पर डे टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन फॉर द एनहेंस्ड फ्लो इज। इसमें देखिए पहले क्लोरीन की वैल्यू 32 दे रखी थी, 16 ml वाटर आ रहा था, जब हमें 22 ml वाटर चाहिए तो क्लोरीन कितना चाहिए, बस खाली यही पूछा गया है। इसमें पाइप की लेंथ को अगर बढ़ाता या फिर कुछ और कहता तो हम उसको देखते, ना तो डायमीटर किसने बात करी है दोबारा और ना ही इसने बात करी है लेंथ ऑफ द पाइप की। तो इसमें हमें सिंपल अपने फार्मूले पे जाना है। तो हम देखेंगे कि जो डाइल्यूशन कॉफिशियंट दे रखा है ये केवल आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो जो अपना क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट है, चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ओके। तो इस केस में n=1 दे रखा है, तो अपना फार्मूला क्या है। तो जब डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हमें एक रिलेशनशिप मिलती है, तो वो होती है T1C1 to the power n = T2C to the power n, या फिर इसे कह सकते हो TC to the power n = the constant, ठीक है। तो T1C1 = T2C2, क्योंकि n यहाँ पे 1 है, ओके। अब यहाँ पे हम पहले T को देखें, T इज द टाइम लेंथ ऑफ द पाइप अपॉन द वॉल्यूम, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ द पाइप अपॉन V इज द वॉल्यूम नहीं है, T इज द लेंथ ऑफ द पाइप अपॉन द वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि हम जानते हैं Q = AB, तो वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो एक सेकेंड, तो हम अगर T को भी यहाँ पे देख लें, L ये है तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो ये इधर जाएगा भाई, डिस्चार्ज ही आ जाएगा, तो L1 A1 A1 कुछ इस टाइप का बना। तो कोई नहीं, तो T1 = LA/Q ना, तो हमने T को देख लिया, दिस इज द टाइम। अब हम देख लेते हैं C क्या है, तो C की वैल्यू होती है W1/Q1। तो वेट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट और डिस्चार्ज पर डे, और Q इज द डिस्चार्ज पर डे, इसका रेशियो होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे W is directly proportional to Q, ओके।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना कि W1 वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू द क्यू वन अपॉन क्यू टू। ओके, तो केवल उतना है क्यू वन अपॉन क्यू टू, लेकिन हम अगर पूरा जो रखेंगे टी वन सी वन इक्वल टू द टी टू सी टू, तो टी वन की वैल्यू एल वन ए वन क्यू इंटू डब्ल्यू वन अपान क्यू वन इक्वल टू एल टू ए अपान क्यू वन, वन कर दो यार यहाँ पे टू इंटू डब्ल्यू टू अपान क्यू टू। ओके, तो यहाँ से हमें भाई रिलेशनशिप जो मिली है W1 अपान Q1 का स्क्वायर और W2 अपान Q2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम अगर देखें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q का स्क्वायर। ओके, तो W1 अपान W2 इक्वल टू द Q1 अपान Q2 का स्क्वायर। बस हो गया अपना क्वेश्चन हो गया W1 अपान W2 इक्वल टू द Q1 अपन क्यू टू का होल स्क्वायर। तो W1 की वैल्यू क्या दे रखी है, आप क्वेश्चन में जाइए पहले, क्वेश्चन में 16 एम एल डी ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप 2.5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें W1 जो होता है वेट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट 32 kg/day। तो फिर ये भी देख लेते हैं यार उसकी वैल्यू क्या है, क्यू टू की वैल्यू 22 है भाई, जब हम क्यू वन जो हमने शुरू में वाटर दी वो वाटर डाला था 16 ml था, अब हमें 22 के लिए चाहिए है। ओके, तब हम क्या करो W1 अपान W2 इक्वल टू द Q1 अपान Q2, Q1 16/22 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अपना W1 32 है इनटू 16 अपान 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर वन अपान W चल रहा है, W2 चल रहा है, तो यहाँ से अपनी कुछ भी वैल्यू आएगी और हम यहाँ से W2 अगर लिखेंगे तो 22 अपान 16 का स्क्वायर इंटू 32, यहाँ से W2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके 16.5 kg/day। ओके, तो इस क्वेश्चन को फीडबैक में हम यही कहेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं आपको कहीं भी कंपटीशन में देखने को मिलता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि इतना वाटर आ रहा है, क्लोरीन इतनी दी जा रही है, अगर इतना पानी डाला है तो क्लोरीन कितनी होगी, तो डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो टी वन सी वन इक्वल टू द टी टू सी टू या फिर टी सी पावर एन इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, इस रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो हमने इसका पूरा मॉडिफाई करके जो भी फार्मूला बना था वो भी बता दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू वन अपान डब्ल्यू टू इक्वल टू द क्यू वन अपान क्यू टू का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। इस तरह इसका होल स्क्वायर ले करके आपको वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर जो भी कैलकुलेट करना है वो निकाल लेना है। ओके, थैंक यू।